नमस्कार, आदिवासी जागरूकता समाचार से मैं विनोद आज आपके लिए आया हूँ। उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में आदिवासी समाज की सूचियों में कक्षा 10वीं में प्रथम आए ज्योति के बारे में। आइए जानते हैं ज्योति के बारे में। मेरा नाम ज्योति कुमारी बुम्बरिया है, मैं महाड़ी की रहने वाली हूँ और बालिका माध्यमिक विद्यालय कोटड़ा में पढ़ती हूँ और 68 नंबर लाके मैं पास हुई और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ज्योति, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पूरी कोटड़ा तहसील में आदिवासी समाज की लड़कियों में सबसे आगे है, पहले नंबर पर है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, आपको पढ़ाने में और आपके फर्स्ट डिवीजन लाने में आपको सपोर्ट किसने किया? मम्मी पापा ने और मैम ने। अच्छा, मम्मी पापा आपको क्या कहते थे पढ़ने के लिए? फर्स्ट डिवीजन बना रहा और मेहनत। अच्छा, और मैडम ने कैसे पढ़ाया आपको, कौन सा विषय पढ़ाती थी? इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस। अच्छा, और बाकी जो और लड़कियां सुन रही है जिनके माता पिता नहीं पढ़ाते या जो लड़कियां पढ़ती तो है लेकिन कम कम पढ़ती है, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भी लड़कियां मेरी तरह पढ़े और फर्स्ट डिवीजन बनाए। ओके, हूँ ना मैं थमर। मेरा कौन थमर? सॉरी ज्योति, मतलब कोटड़ा में पहला नंबर ऊपर आवे थमर के लागे है? हां लागे को त्यागढ़ के तरह होते पढ़ा हो ने कॉलेज करा हूं। पढ़ना भी तो नहीं दो ते कोई कही नहीं है बहना बना बारे में नहीं विसारियो सरपंच के पुलिस के डॉक्टर के वकील के ते बड़ा हूं है बड़ा हूं ना थे मार कोई इम नहीं लगतू के मार सोरे मतलब वकील बहन विसाई जाए पुलिस बहन विसाई जाए के डॉक्टर के एम तो लागे ने मतलब है लागे। तो आपने देखा कि ये ज्योति है और ज्योति ने किस तरह मेहनत करके 10वीं में पूरे कोटड़ा तहसील में आदिवासी समाज की सूचियों में पहला नंबर लाया और आप इनकी माँ से भी मिले। आप बने हुए थे आदिवासी जागरूकता समाचार में विनोद के साथ। नमस्कार।